देख लिया फिर अंदर ही अंदर क्या गुल खिलावत है, और हम यहां सोच के परेशान हो रहे थे कि कौन से बिच्छू ने डग लिया जो रातों रात भाग गए वो दोनों। हाँ मगर मैं सुल्तान को भी अच्छी तरह जानती, सरवर साहब की बातों में मुझे दम लग रहा है। क्या पता सुल्तान ने ये चांद चढ़ाया और फंस गई बेचारी असरा। हाँ बस बस, दिमाग नहीं है ना तो इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। यानी अपने बेटे की तारीफ नहीं कर रही हो है? कैसे मेरे सुल्तान ने वो जो गुस्से से भरा हुआ साला आया, कैसे उसका तंत्र और भरण निकाल दिया, यानी गरम मसाले की तरह बिखेर दिया। आंख नहीं उठा सका वो है, बहन के सर पे हाथ रखा और वो गया, गया कि नहीं। असरा मेरे सामने प्रिटेंड मत करना। मैं प्रिटेंड नहीं कर रही, मुझे वाकई आपसे डर लग रहा है। क्यों? क्यों डर लग रहा है मुझसे? मैं कोई जिन भूत हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा? ये इनोसेंट एक्सप्रेशंस बना के तुम अपने घर वालों को, अपने भाई को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। आई नो यू वेल। कितनी तेज हो ना वैसे तुम, सब कुछ खुद करके इल्जाम लगा देती हो मुझ पे। आई मीन व्हाई? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, जो सच है वो ही बताया है। इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी अपनी गलती तस्लीम करने के लिए राजी नहीं हो। तुम ये नहीं मानना चाहती कि मशल इस घर को छोड़कर गई है तुम्हारे शक की वजह से। उन दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है तुम्हारी वजह से। उल्टा तुमने अपने भाई को फोन करके इस घर में बुलाया ताकि यहां पे आके वो मुझे शर्मिंदा कर सके, मेरे ही घर में। मैंने भैया को नहीं बुलाया, भैया खुद आए हैं। उन्होंने बताया ना कि मशल मिली थी उनसे, इसलिए वो आए। आई डोंट ट्रस्ट हिम। तुम्हारे भाई हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकती है? मशल यहां से गई और उन्हें मिल भी गई। Not possible. नहीं, मेरे भैया झूठ नहीं बोलते और ना ही उन्होंने कभी झूठ बोला है। यही सच है जो आप मानने को तैयार नहीं है। अच्छा मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे इस पागलपन को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? ट्रस्ट मी, यू आर नॉट मेंटली वेल। तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं, इल्यूजन्स हो रही हैं तुम्हें। तुम अपने दिमाग में अज्यूम करती हो और फिर एक इमेज क्रिएट कर लेती हो, जैसे वो मैसेजेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ना उसने सेंड किए मुझे ना मैंने रिप्लाई किया, लेकिन तुमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हारी वजह से मशल और जुनेद के बीच में तलखी आ गई है। तुम्हारे भाई इस घर से इतनी स्ट्रेस में गए तुम्हें पता है? मेरे लिए तो ये सब नॉर्मल है यार, बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन सर्वर भाई, प्लीज उन्हें तो इस अजाब में मत डालो। क्या
क्या सोच रहे होंगे वो? मेरी इस मुआशरे में बहुत इज्जत है सर, प्लीज मुझे रुस्वा मत करो प्लीज। देखो मैं समझ सकता हूं, जेलसी होती है, इनसिक्योरिटीज होती हैं, इट्स नॉर्मल, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि अपनी गलती को तस्लीम किया जाए, उस पर माफी मांगी जाए। तुम्हारे भाई तुम्हें माफ कर देंगे, आई नो, माफ कर देंगे वो तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं हर मुश्किल वक्त में। वेट, मशल को कॉल करो, उससे अपोलोजाइज करो, तुम्हारी वजह से वो इतने इश्यूज फेस कर रही है, और उसके बाद सर्वर भाई को फोन करो, उन्हें बताओ कि तुमसे गलती हो गई, मेरी मोहब्बत पाने के लिए, मेरी अटेंशन पाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया, वो समझेंगे, माफ भी कर देंगे। गॉट इट।